नमस्कार आप सबको। आज बड़े दिनों के बाद ये मन हुआ कि वीडियो के माध्यम से आप तक जाऊं, और उसके पीछे का निमित्त भी बना, एक कारण भी बना, वो ये कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, जो हमारे लिए हो सकता है आपके मेरे जीवित रहते तक इसका कोई आपको फ़ायदा नज़र ना आए, लेकिन देखते ही देखते 2-4-5-10 सालों में आप हम सब लोग ये देख जाएंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, उसके पास खाली हमारा उत्तराखंड कहने के लिए एक शब्द या एक नाम रह जाएगा, उसकी ज़मीन जा चुकी होगी। डबल वाले ने कमी ना, कोई कमी नहीं है पैसे वालों की, एक मिनट में देश खरीद दें, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे लोग हैं जो एक मिनट में उत्तराखंड खरीद लें, और एक मिनट में किसी नेता या किसी बड़े मुख्यमंत्री या किसी को भी खरीद लें, वो पैसे वालों की कमी नहीं है। बात है अभी अपने आप को जगाने की। हम देश की आज़ादी के वक्त नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक भयंकर आज़ादी का समय आ गया जिसमें हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, सब आ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल में आदमी ज़मीन ले सकता है, उन्हीं नियम कानून या उसी तरह के नियमों के तहत उत्तराखंड में भी आदमी ज़मीन ले, क्यों ना ले, लेना चाहिए, हर आदमी को हक है, वो भारत का कोई भी हो चाहे विदेश का हो, आना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए कि वो पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीद डाले बड़े लोगों की संगत में मिल करके। ये बहुत भयंकर रूप हमारे लिए होने वाला है उत्तराखंड के लिए। मैंने इससे पहले भी कई बार बोला, आवाज़ भी उठाई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, उनके दिल की बात थी, मेरे दिल की बात थी, तो वो आगे तक भी गई। हालांकि इसमें एक आध मेरे जिसमें DM नाराज़ हो गए, एक आध सांसद नाराज़ हो गए, एक कैबिनेट मंत्री ले नाराज़ है कि जो पहली कूच की हेमंत तुम धरोहर हो ना हमारी उत्तराखंड की धरोहर, वो तो फ़ोन ना उठा रिया। लेकिन ये ऐसे चलते रहेगा, हमको राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके सच में उत्तराखंड की धरती के लिए अगर कुछ करने का वक्त है तो इस कानून का समर्थन करिए, और हमारे बोलने से ही कुछ होगा, क्योंकि हम जब किसी को सांसद बना सकते हैं तो हम ऐसा नियम भी बना सकते हैं, हम किसी को विधायक बना सकते हैं तो हम ऐसा नियम भी ला सकते हैं, जनता अपनी ताकत को समझे तो वो बहुत कुछ कर सके। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो टाइम आ गया अपन मातृभूमि की रक्षा कर लीजिए, तो सब लोग जागो, खड़ हो, आवाज़ उठाओ। हर आदमी ये सोचता है कि मेरे ननतिन, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं, नौकरी पे लग जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाली है। तो किसी के भी बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी अगर हम बीज डाल दें, संस्कार डाल दें कि अब हमारे लिए अपनी मिट्टी के लिए लड़ने का समय आ गया है, तो उसके लिए उनको सर्व संस्कार के रूप में ही सही वो बच्चों तक भी वो बात जानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए खाली नाम रह जाएगा उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड। ये बहुत भयंकर लड़ाई है, बहुत बड़े माफियाओं का प्रवेश हो चुका, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए अब आम जनता को जागने की ज़रूरत है। आप सब उन मेरे निवेदन छे, जो ले छो, जान ले छो, जस ले छो, ये बात के सपोर्ट करो, ताकि ठुल लोगन तलक यो बात जाओ, जनर जनर हाथ में नियम कानून बनाना का अधिकार छे, वो लोग इसको लागू करें, इम्प्लीमेंट हो, तो हमारा राज्य बच जाएगा। हम हैं भारत में, लेकिन आने वाले समय में भयंकर चीज़ होने वाली है। उत्तराखंड में कुछ ऐसे तत्व घुस रहे हैं जिनसे अभी हमको मजाक लग रही है, कश्मीर जैसी स्थिति आने की संभावना है। तो आप उन लोग जाग जाओ, ठाड़ जाओ, और उत्तराखंड के युवाओं से उम्मीद करता हूं आप लोग चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ही लोग देश की रक्षा करते हो फौज में जाके। तो जो लोग फौज में नहीं गए हैं उन भाइयों से निवेदन है कि भाई जी जो टाइम आ गयो, अब टाइम आ गयो, अब इन राक्षसों को, इन माफियाओं को यहां से हटाना है और भू कानून लाना है। हमें बाहर का कोई आदमी आए आपत्ति नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा बाहर के लोग आएंगे हमारी संस्कृति को भी फलने फूलने का अवसर मिलेगा, लेकिन माफिया के रूप में नहीं, बल्कि भारत के नागरिक के रूप में वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं। आप जाग जाओ, ठाड़ जाओ, नमस्कार।